नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवीर स्वतंत्र कार्यक्रम, नियारा कार्यक्रम, भक्त अनुभूति कार्यक्रम को आपण मान स्वागत करुच्चे। आपण मैने भक्त मोर बापा माँ भाई भाई आपण को अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची। सका सका भक्त मानकर कंठरु भक्तंकर अनुभूति शुणिबा एवं आज दिन को आरंभ करिवा। आज मध्य झुलण यात्रार मध्य आज अयम आरंभ, तेणु आपण माने देखि पारुछन्ति सिंहद्वार अरुण स्तंभ चकडारु आसंतु भक्त मानकर अनुभूति शुणिबा। प्रथम भक्त को आम स्वागत करिवा। जय जगन्नाथ टीवी को आपण को बहुत बहुत स्वागत माँ। आपणकर ना कहिबे कोठे आछन्ति माँ? कहिबे कंधमाल दारिंगबाड़ी आप आसंती महाप्रभु को दर्शन करने आप कहले मोर बहुत दुख कौन आप जीवन दुख कोरोना चली जाइए मो स्वामी कोरोना चली जाइंट मत भन बहुत कष्ट से सुख लिखी झील विद्युत बस चाकरी पाई मोर बहुत खुशी प्रभु मत गोटे सुख दे गोटे दुख दे गोटे सुख दे बहुत खुशी दुख बेस बहुत मुसलमान लगुच मत प्रभु मत बहुत अभर मत दुख कौन कष्ट कौन जान नी एत बड़ दुख दे समय सही पार नहीं प्रभु आगे संभाले मत आए ना मोर आगे तो माँ सुख एवं दुख तो ये तो संसार नियम सुख पर दुख दुख पर सुख भगवान को मध्य जो प्रभु अवतार नहीं दुख सहवाक पड़ी तो ये तो संसार ये नियम आई सुख दुख भितर भक्त खोजती महाप्रभु को तो आपत जो आज आसती प्रभु को दर्शन करने प्रभु को दर्शन कले कौन अनुभूति आप कहे जो अनुभूति आप झील बेदी बस चाकरी पाई मोर बहुत अनुभूति मोर तीन टा पिला सर्विस जय जगन्नाथ टीवी रे महाप्रभु दर्शन करती माँ। आप जय जगन्नाथ टीवी रे सब दिन दर्शन करे संध्या रे संध्या आरती न देखिले मु संजुआ दे को जाय ने भीतर घर को जगन्नाथ आरती देखे तापर संध्या दे सकल महाप्रभु कर उठिले जगन्नाथ दर्शन आगे जगन्नाथ को दर्शन आगे संध्या आरती मु देखिले उठिबी तांग मु देखिले सोइबी छड़ा मोर कि नहीं प्रभु समस्त मंगल करते समस्त खुशी रखुद पाखे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद माँ कैटे सुंदर कथा कहले। जय जगन्नाथ टीवी तरफ आपण को एक संक्षिप्त पंजिका टी प्रदान कराला माँ या भितर समस्त पूजा व्रत पर्वपर्वाणी रही। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जय जगन्नाथ। तो शयने सापने जागरणे सका उठिले प्रभु आपण एवं प्रति मुहूर्त आपण भक्तंकर ये अनुभूति आज जन भक्त को स्वागत करिबा एवं तांकर मध्य अनुभूति कौन रही आम शुणा। जय जगन्नाथ टीवी को आपण को स्वागत माँ। आपणकर ना कह कौ आसमा कह मो ना प्रतिमा मुसी बाणपुर। अच्छा बाणपुर भगवती आसकर पीठ देवी पीठ तो बाणपुर भगवती जगन्नाथ महाप्रभु ये पूरी पर्यंत यात्रा केमिति हैला कि आपन को धरिकी आसछन्ती ना प्रभु नहींकरी प्रभु डोरी लगे आनी कौन कह मना करूली मुझे आसवाई मुझे कहली बाबा कहीं जी आर बर्ष एम जा गाड़ी खसीगली आम जीवा मना करी हेले मो जा मैंने समस्ते मत कह ना आसे जावा आम तो धरिकी नबू आलरे आणबू हरी ठाकुर दया तू भल आसबू हरी मु बाबा को भरोसा करमी भलरे भलरे मो गाँ को जी प्रभुंकर दर्शन कले ना प्रभुंकर दर्शन पई आपण जाउचंत दर्शन करि सलानी तापरे फेरे करिया को जाउची तो दर्शन करि करे आपण आउथरे फुनी दर्शन करिया पई जाउचंत ना जते देखिले कोन तांको मन बुझुनी नाय मो मन बुझुनी मु बाबा को जोथि पई डाकिया को आसी जी बाबा खाली मोर सेइतरे सहा होंतु तो आउ थरे देखिला परे आउथरे देखिया पई जाउचंत कारण तांको जते देखिले मन बुझुनी कौन अनुभूति अच्छे आपणकर माँ जो अनुभूति आज आप कहे केमी का मो पा मो घर संसार भल बाबा कि भल रखे मुझे आसी बाबा पाखे आगे मागवाक आस हो माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जय जगन्नाथ टीवी देखती हाँ
प्रत्येक दिन जय जगन्नाथ टीवी ताले आपण देखंती। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जय जगन्नाथ टीवी तरफ आपण को गोटे संक्षिप्त पंजिका टी प्रदान करागला या भितर पूजा व्रत पर्वपर्वाणी समस्त कथा रही आपण देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जय जगन्नाथ। तो भक्त अनेक दूर आसती किए पाखु आसती महाप्रभु को देखापी जाती थे देखिकी आसती पुणी आउ थे मन व्याकु हुए आउट प्रभु देखती नहीं आपण को कारण जिते देखिले आपण को मन बुझुन इच्छा हूँ सब वे आपण को एमती देखुवि अनेक भक्त मैंने बापा माँ भाई भाई घरे रही वर्तमान महाप्रभु दर्शन करने सहित भक्त अनुभूति कार्यक्रम को देखुं तो आउ जे भक्त आम सहित अच्छा स्वागत करवा जय जगन्नाथ टीवी को एवं मुखर मैं अनुभूति को शुणा। जय जगन्नाथ टीवी को आपण को स्वागत आपण ना कह आजा कौ आस जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ आप कहाँ से आए हैं भगवान जी का ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए? हम प्रभु जी दिल्ली से आए हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए और हर साल आते हैं, साल में दो दो तीन तीन बार आते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम संजय गुलाटी है। हम लोग पंजाबी हैं। भगवान के जब से चरण पकड़े हमारी ज़िंदगी बदल गई है। इससे पहले हमें पता नहीं था जगन्नाथ जी कौन है कौन नहीं है। जब से इस कौन में लगे हैं तब से पता लगा कि जगन्नाथ जी पर ब्रह्म है और इनका दर्शन करने मात्र से ही प्राणी की मुक्ति हो जाती है। भगवान जी का दर्शन करने से ही प्राणी का मुक्ति हो जाती है, कितना बहुत सुंदर बात आप बोले हैं प्रभु जी। तो कितने सुंदर कथा कहिले। तो ठाकुर जी का आप दर्शन किए हैं प्रभु जी संजय जी, तो भगवान जी का दर्शन करने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है और आप क्या जगन्नाथ जी के बारे में क्या कहेंगे आप? जगन्नाथ पर ब्रह्म है जी। इनका दर्शन करने मात्र से ही आदमी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। और हम तो बहुत ही पापी और पतित आदमी थे, भगवान ने अपने चरणों में लगा लिया, नहीं तो हम तो बहुत ही। और मेरा एक एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार जा रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और बस आप ये समझे कि पूरे परिवार को भगवान ने ही बचाया और इनके अलावा हमारा कोई नहीं है। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया। और आप आए आकर अनुभूति आप बताएं। आपका कंठ में जो माला का थली है और ललाट में भी ऊर्ध्वपुंड तिलक है, भगवान का नाम आप जप करते हैं और भगवान के भी आप भक्त हैं। आज सुबह सुबह भगवान ठाकुर जी को जब दर्शन कर रहे थे आप, तो क्या बोल रहे थे भगवान जी को? हम कुछ बोल नहीं पाते, भगवान के आते आगे आते हमारा सब कुछ खो जाता है, हम खो जाते हैं। बस जगन्नाथ जी की यही महिमा है प्रभु जी। और हमारी सबसे यही विनती है आप सब लोग भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में लगे और भगवान की भक्ति करें। बस जय जगन्नाथ प्रभु जी। और यहाँ पर उड़ीसा में एक जय जगन्नाथ टीवी चैनल करके एक चैनल है, टीवी चैनल, और उसमें भगवान जगन्नाथ जी का सुबह से रात तक कबाट खोलने से कबाट बंद होने तक जो हर रिचुअल होता है भगवान जी का, उसमें लाइव दिखाया जाता है भक्तों को। और सभी भक्त लोग इस चैनल पे भगवान जी का लाइव पे दर्शन करके बहुत आनंदित होते हैं। और इस चैनल के तरफ से आपको एक पुस्तक, एक पंजिका प्रदान किया जाता है। इस ये तो उड़िया में है ठीक भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप आए भगवान जी के बारे में कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्त कहिले जे महाप्रभुंकर या महिमा जे प्रभु को देखला बेले किछि आ मने पड़ेनी कि किछि कहि पारंती नहीं, भक्त भावुक हो जाती। ये हूँ प्रभुंकर महिमा। आउ जी देखु थाए सी कही थाए प्रभु आपण हूँ परब्रह्म। कटे सुंदर कथा कहले जे भक्त आसी हिंदी भाषी भक्त पंजाबी भक्त, तेणु आउ जे भक्त अच्छा आम स्वागत करवा मुखर अनुभूति को शुणा। जय जगन्नाथ टीवी को आज्ञा स्वागत करुचु। आपण कहे कौट आज्ञा कह जय जगन्नाथ टीवी को आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम बताइए प्रभु जी। सुनील कुमार मिश्रा। आप कहाँ से आए हैं प्रभु जी? कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए हैं और ठाकुर जी का दर्शन किए हैं? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जगन्नाथ जी की कृपा बनी रही जो कि हमको 25 साल बाद बुलाए। मैं एक मन्नत मान के यहाँ गया था, मन्नत तो मेरी बहुत जल्द पूरी कर दी थी जगन्नाथ जी ने, लेकिन मेरे को आने में विलम्ब हो गया। जगन्नाथ जी ऐसे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और ऐसी श्रद्धा भाव सबका बना रहे। जय जगन्नाथ। 25 साल के बाद आप आए हैं दर्शन करने के लिए। मन्नत आपने भगवान जी को मांगे थे, मन्नत भी पूरा हो गया था, और दर्शन के लिए 25 साल क्यों लग गया? बाबा ने बुलाया नहीं जगन्नाथ जी की, जब तक कृपा नहीं होती कोई नहीं यहाँ आ सकता।
जगन्नाथ जी की जब तक कृपा नहीं होती तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये तो पूरा सत्य है। और आज जब भगवान जी को आप दर्शन कर रहे थे, मन में क्या आ रहा था? यही कि हमारे सभी परिवार को, हमारे भक्तों को निरोगी काया दे, भगवान ऐसे जब बुलावे तब हम लोग इनके दर्शन करने के लिए यहाँ आवें, पधारें। बहुत बहुत बढ़िया। और भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में और क्या कुछ बताएंगे आप? जगन्नाथ जी के बारे में क्या बताना है, ये तो स्वामी महाराज साक्षात भगवान हैं, जिनका दिल आज भी धड़कता है। ये तो पहली बार हम लोग सुने हैं किसी भगवान में दिल आज तक नहीं धड़कता है, लेकिन इनके पास तो दिल आज भी है और सबकी मनोकामनाओं को बड़े सुचारू रूप से पूरी करते हैं, हर भक्त को खुश रखते हैं। बाकी सब जगन्नाथ जी की कृपा है। भगवान जगन्नाथ जी का दिल धड़कता है और कलयुग के जीवंत देवता है भगवान जगन्नाथ जी, और यहाँ 56 भोग लगता है भगवान जी को। ये विचित्र लीला करते हैं भगवान जी यहाँ। और प्रभु जी, जय जगन्नाथ टीवी करके एक चैनल है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी के सुबह से लेकर रात तक हर जो रिचुअल होता है उसी टीवी चैनल पर दिखाया जाता है, हमारे जय जगन्नाथ टीवी चैनल पर। और सभी जो भक्त लोग देख रहे हैं सीधा प्रसारण के माध्यम से, आप सभी भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? सभी भक्तों को क्या, भक्त आवें और सब भगवान के दर्शन करें, अपनी हरी मनोकामना जो लेकर आते हैं भगवान जगन्नाथ जी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को दो शब्द बोलने का यहाँ मौका दिया गया, इसके लिए मैं बड़ा आपके चैनल का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जय जगन्नाथ टीवी चैनल की तरफ से आपको एक संक्षिप्त पंजिका प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। और केरे सुंदर भाव आसिकी कहले प्रभु पाखे गोटे मनस्कामना करते प्रभु से मनस्कामना को मध्य माने बहुत जल्दी पूरण करदे, कारण बांछा कल्पतरु प्रभु जी जो भावना नहीं कर प्रभु पाखक आसती प्रभु ताकू तत्ण पूर्ण कर दिखती आसवापी 25 वर्ष समय लगे। आप देखु ये सुंदर भाव कहले पचारि जिते आपन को 25 वर्ष समय लगे आसवापी ना तर जब डकर आसव डोरी लगे सेतबाला ही एठिक किए आसीपर ना आसीपर तेणु आम प्रार्थना करवा प्रभु आमर टी डोरी लगे दिंतु आम टे जीव आपण को दर्शन करूँ। प्रत्येक भक्तों मनर कथ ये आज जन भक्त को स्वागत करवा अनुभूति मुखर अनुभूति को शुणा। जय जगन्नाथ टीवी को माँ स्वागत, आपण कहे कौट आस कह मुझ के आनंदपुर तारिणी क्षेत्र शेत्र तारिणी क्षेत्र शंख क्षेत्र को आपण आसी तारिणी क्षेत्र शंख क्षेत्र को आपण आसी ना आपण को प्रभु आनी डोरी लगे भिड़ी आनी प्रभु मते मसरे थरे का थरे बर्षे थरे दिथर एम प्रभु आणती मते मसरे प्राय 5-6 थर डोरी लगाती प्रभु आसवे किए कहती प्रभु डोरी लगे मानने लोक मान आसवा हुए कि मोर से नुह मोर मन है मानते मत जगह देवाक टाणिला मोर से सब मानने बड़ ई आउ मोर कौन दरकार से गोटाक ही हूँ प्रभुंर डोरी बा भावर भक्त जिते भावे डाके प्रभु मुझे जीवी आप देखी से नहीं आसती तेणु कौन अनुभूति रही जो अनुभूति आज आप कहे अनुभूति कौन मत तो भगवान सब दे जगह मत सब मुखर सब छाड़ दे अनुभूति यही जानुरी मसरे मोर गाड़ी आक्सीडेट है मो हजबैंड गाड़ी करती बिजनेस गाड़ी बिजनेस करती यही जानुरी मसरे गाड़ी आक्सीडेट है प्रभु पाखक आसली कहली प्रभु मत तो किसी देना जगन्नाथ किए जगन्नाथ किए कि मत लगे प्रभु मुझे भी आसे किए ना किए मो हाथ में गोटे तुसी माला देखिए कहती तो नहीं जा तर सब किसी ठीक हे आ मोर गाड़ी चलू कि न चलू मोर आज पर्यटन तो सब ठीक होमती भगवान मत चलने कथा सेमती चलते जीक मोर अनुभूति आस्त सब दर्शक मान कह चाहे कि समस्ते आसतु जगार महिमा बहुत बहुत सुंदर कथा आप कहले तो प्रभु आपण को विपद रु उद्धार करिछन बहुत बड़ा
ଜଳ୍ପଦର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଣିମାଙ୍କୁ ଏତିକି ମାନେ କିଛି ନ ମାଗିବାକୁ ବି ମୋତେ ମଣିମା ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି ସିଏ ତରିଛି ଇଏ ତ କଥା। ତେଣୁ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ମୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ବି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୋ କାଳିଆ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ସିଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଆଉ କେହି ମାନେ ସଂସାରରେ ଧନ ରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ ସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ଜଗା ଏଇ କାଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିବି ଯେ ତାକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକାଟିଏ ମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ପଞ୍ଜିକା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ରହିଛି ମା ଦେଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ୟାଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଆଉ କ'ଣ ଜଗତରେ କିଛି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା। ଆଜି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଅୟମ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତ କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିବେ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଆସିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ। ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି ମାଆ ସାରଳାଙ୍କର ପୀଠ ମାଆ ସାରଳାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଝଙ୍କଟ ସାରଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଇଏ ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହିଲା ଆପଣ? ଇଏ ମୋ ଯାତ୍ରାଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡାକରା ମିଳେ ମୋତେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଲେ ବି ମୁଁ ଆସିପାରେ ନା। ଏଇ ଆଜି ଯେମିତି ଆସିଲି କାଲି ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ରାତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କାଲି ଆସିଲା ପରେ 12:25 ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ରେ ରହିଲୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ସେତେବେଳେ ମୋର ପକେଟରେ ଥିଲା ପର୍ସ ଥିଲା ମୋର ATM ଥିଲା DL ଥିଲା ପଇସା ଥିଲା ଏସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ହାତ ମାରିଲାବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ATM କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯିଏ ଯାହାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ଆର ପଇସା ଅଛି ଏତିକି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ପଇସା ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଅର୍ଥ ଚୋରି ହେଇଗଲେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି ସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଇଏ କେତେଟା ପଇସା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ସେ ତାରି ସବୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଇଛି ସେ ତାର ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାରି ସାମ୍ନାରେ ବି ସେ ନେଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଆଜି କହିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମୋର ଖାଲି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରେ ଭାବେ ମନନ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ କଥା କେବେ ବି ଭାବେନି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର କଥା ଭାବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବାଟା ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଗରେ ରଥ ଖୋଲା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ରଥର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଥରେ ମୁଁ 1983-84 ରଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିଥିଲୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପହୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ବଳଦେବଙ୍କର ରଥ ବଳଦେବ ଯେତେବେଳେ ପହୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନ ଥିଲା ତାରି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମାନେ ଏତେ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କେମିତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ଆଗରେ କିଏ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା କି କାରଣ ତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହିନୀ ନେଇଗଲା ପରେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବି
ये कथा भाबू भाबू प्रभु मु निवेदन करूची जणे मु आगे पड़गले मु साने साने टेकी नेला परे मु दौड़ करी जाई पछपट को गोटे जो मिनी मेडिकल सेन्टर थिला सेठी जाई पहुँच करी कोल्ड वाटर आनी मुंडे छिंची हेली पीली ठाकुर दर्शन मुझ जत भगवान महाप्रभु जितेबले जी मागिची जहाँ चिंता करी पाखे पहुँच जाइंट यही अनुभूति अनेक अच्छी अनुभूति कहले सर तबे ये गोटे साधारण अनुभूति हेले मोपाई महान। जय जगन्नाथ टीवी आप देखते आज्ञा सर सब बेले मुझे देखे प्रति मुहूर्त मुझे देखे एवं जो कथा विश्व ब्रह्मांडर कर्ता जितेबले स्वरूप आम देखु तहार बड़दाण आम देखु आउ दुनिया अन्न टी कौन अन्न किसी ना तेणु से मोबाइल दर्शेष्ट मु सब देखे। जय जगन्नाथ टी आप प्रभु दर्शन करती जहा हूँ कटे सुंदर कथ कहले जय जगन्नाथ टी तरफ सार आप गोटे संक्षिप्त पंजिका टी प्रदान करागला या भितर पूजा व्रत पर्वपर्वाणी समस्त कथा रही घरपाई ये संक्षिप्त पांजीटी घरे कौन व्रत पूजा पर्वपर्वाणी सब या भितर रही बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ टी तरफ जय जगन्नाथ भक्त जिते बड़े प्रभु पाखक आसती आप शुणुले कड़े सुंदर कथ कहले पैसा पर्स चोरी होगलापर खुशी हेले प्रभु कहले प्रभु आपण तो देगले मु मन दुख कहीं करी सब तो आपणकर जहाँ मत दे प्रभु सब आपणकर निश्वास नौचे ये वायु देखते आपण तेणु पवन पा रही बास सब ही आपंट आमर कि नुह गला बेलू आसला बेलू जमी आसते गला बेलू सेमती जावा ये भक्तों भाव भक्त हृदय ये भाव थाए जे समस्ते खुशी रे रुहंतु समस्ते आनंद रे रुहंतु समस्ते भलरे रुहंतु एवं भक्त कहते जे मन भितर कौन कथा चली महाप्रभु छड़ा कहीं जापारती ना सतरे आज्ञा भक्त मनरे कौन अच्छी प्रभु छड़ा कहीं बुझीपारती ना प्रभु मनर कथा बुझीपारती अंतर कथा को से पढ़ीपारती सेतिपाई तांकर नाम अंतर्जामी सर्वांतरजामी समस्त अंतर भितर सी अच्छा भक्तंकर इच्छा थला पहंडी समय कथा से कड़े सुंदर भाव में कहते जमी शिशु मनरे कौन अच्छी संतान मनरे कौन अच्छी माँ बुझीपे भक्त मनरे से हीपरी कौन अच्छी महाप्रभु बुझीपारती आ महाप्रभु तत्क्षण भक्त को ताकु प्रदान करती कारण भगवान निजे कहते थरुटे मो शरण को पलैया तापर तोर समस्त दायित्व मोर संपूर्ण रूप से मु तोर निर्वाह करी तेना सुंदर भाव में भक्त अनुभूति कार्यक्रम को आपण माने देखुले आज तो समय होगला भक्त अनुभूति कार्यक्रम को आम ये रखा एवं आसतु वर्तमान स्टूडियो को जीवा स्टूडियो सुंदर भाव में अन्न्य कार्यक्रम रही श्रवण करवा प्रभुं दर्शन करवा।